हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ कि आजमगढ़ से कौन जीतेगा, दिनेश लाल यादव निरहुआ जीतेंगे या धर्मेंद्र यादव। तो मेरा मानना है कि निरहुआ ही जीतेंगे। इसका एक कारण है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आजमगढ़ की जनता कह रही है, आजमगढ़ के लोग कह रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। देखिए, जब चुनाव हुआ था, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को मौका दिए थे, एक बार तो हार गए थे, फिर दोबारा जो है कि चुनाव लड़े थे दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से, और दोबारा जो है कि चुनाव वो आजमगढ़ से जीत गए थे। मात्र उनको 15 महीने का टाइम मिला था और 15 महीने में उनको बहुत कुछ करके दिखाना था। और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी 15 महीने में 15 साल से ज़्यादा, यानी 15 महीने में 15 साल से ज़्यादा वो काम किया आजमगढ़ में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आजमगढ़ की जनता करी, आजमगढ़ के लोग करें, उनका काम दिख रहा है, उनका काम दिख रहा है। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि रेलवे लाइन का निर्माण किए, जो कि सीधा पहले लोग बनारस जाते थे आजमगढ़ से, अब सीधा जो है कि सीधा आजमगढ़ से डायरेक्ट बनारस आएंगे। और एरोप्लेन हवाई अड्डे का निर्माण करवाए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करवाए, और वहाँ से डायरेक्ट आप जो है कि उड़ान भर सकते हैं लखनऊ दिल्ली के लिए आजमगढ़ से। तो बहुत से कार्य किए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने संसदीय क्षेत्र में मात्र 15 महीने में। एक प्रवेश लाल यादव जी गाना भी गाए हुए हैं, 15 महीना में 15 साल से ज़्यादा काम करो ले बा। ये बात रियल है, यानी कि वो 15 महीने में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी 15 महीने में 15 साल से ज़्यादा काम कर दिए। और इस बार भी देखिए वोट पड़ गया है, अभी देखना है। देखिए, बात यह है कि पहले एक समय था आजमगढ़ में सपा का गढ़ था, यानी कि वहाँ से कोई भी पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकती थी। जैसे बीजेपी पार्टी कभी भी वहाँ से नहीं जीती थी, और कभी भी वहाँ से कोई पार्टी चुनाव लड़ता था हार जाता था। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार हार गए थे, लेकिन फिर भी वो छोड़े नहीं, आजमगढ़ वासियों के पीछे लगे रहे और अपना प्रचार प्रसार करते रहे, और फिर से चुनाव लड़े और वो जीत गए थे। और 15 महीने में बहुत सारे काम किए, और इस बार भी चुनाव हुआ, धर्मेंद्र यादव उनके विपक्ष में थे। इसके पहले अखिलेश यादव थे, वहाँ पर कोई विकास नहीं किए थे। वो तो आजमगढ़ वासियों को पता ही होगा कि आजमगढ़ में इससे पहले अगर अखिलेश यादव थे तो वहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ था। गड्ढे में ऐसे सड़क थी, पता नहीं चलता था कि गड्ढा है कि सड़क है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी वहाँ पर चारों तरफ भ्रमण किए, देखे सड़कों को देखे जीतने के बाद, और इसके बाद सड़कों का निर्माण करवा दिए, ऐसे ऐसे काम करवा दिए आजमगढ़ में कि आज तक कोई सरकार वहाँ पर उतना काम नहीं किया था। और घर घर जा कर के सबको आवास दिलाए, जो कि एक प्रधान का कार्य होता है, प्रधान का काम होता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रधान का काम खुद सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ कर रहे थे। जीतने के बाद वो अब पेड़ के नीचे अपना कार्यालय लगाते थे, यानी कि एसी वाला सांसद नहीं, देसी वाला, यानी देसी तरीके से रहते थे, लुंगी बनियान में लोगों की सेवा करते थे, और पेड़ के नीचे खटिया लगा रहता था, तख्ता लगा रहता था। तो उनके कार्यकर्ता लोग थे और सभी की समस्या सुनते थे, सभी की समस्या का समाधान करते थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। और ज़्यादा करके देखा जा रहा है कि मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हूँ, और इन वीडियो में मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं कि इस बार आजमगढ़ से निरहुआ को भगा दिया जाएगा। तो ये दूसरा कोई कमेंट नहीं करता, ये सपा वाले करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए, जातिवाद लेकर अगर कोई भी चलेगा तो सक्सेस कभी नहीं होगा। तो आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, जातिवाद लेकर आप लोग कभी भी ना चलिए। अगर आप लोगों को चलना है, अपना विकास देखिए, और अगर किसकी, चाहे जिसके सरकार में विकास हो रहा है, चाहे बीजेपी चाहे सपा, अगर जिसके सरकार में आपको विकास दिख रहा है, विकास हो रहा है, तो आपको उसी को बार बार जिताना चाहिए, उसी को ही जिताइए। अभी चुनाव तो हो गया है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, देखना ये होगा कि क्या निरहुआ आजमगढ़ से इस बार भी बाजी मार लेंगे। वैसे तो लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, बहुत सारे इंटरव्यू देखता हूं निरहुआ जी का, जिसमें वो कहते हैं कि इस बार 400 पार होकर ही रहेगा, और आजमगढ़ से 5 साल का मौका आजमगढ़वासी उनको फिर देंगे। और वैसे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, मेरा मानना है कि आजमगढ़ से वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं, और अब की बार 5 साल का मौका उनको दिया जा रहा है, और 5 साल में बहुत बहुत सारा काम करेंगे। और जब इतना सारा काम कर देंगे तो भाई जिताएंगे ही, सब लोग जिताएंगे, क्योंकि भाई उनको विकास चाहिए। ये जातिवाद नाम से कोई मतलब नहीं निकलता। अगर धर्मेंद्र यादव जीत जाते हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे वहाँ पे, कुछ भी नहीं करेंगे। निरहुआ आजमगढ़ में 1 साल से रह रहा था, और मात्र 3 दिन के लिए धर्मेंद्र यादव आए थे, वो भी तेरह ही कार्यक्रम में। तो निरहुआ अकड़ के बोल भी रहे थे अकड़ के कि तुम 3 दिन रहोगे,
मैं 3 साल रहूँगा, 1 साल रहूँगा, निरहुआ बोले थे। तो वैसे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। वैसे मेरा मानना है कि आजमगढ़ से निरहुआ जीत ही जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही जानकारी देता रहूँगा, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।